किसी लड़की जी का निकाह हुआ था जिसमें कि उनके वालिद वहाँ पर उस निकाह में मौजूद नहीं थे, उस लड़की के वली उनके मामा बने थे। तो क्या लड़की के अब वालिद फैमिली प्रॉब्लम की वजह से कुछ झगड़ा था उनके फैमिली में, तो अब उस निकाह से उनके वालिद राजी हैं, तो यह निकाह जायज़ है इसमें इस हाल में? देखिए, लड़की का वली, इससे पहले भी मैं शायद जिक्र कर चुका हूं कि जी उसकी माँ की तरफ से, लड़की की माँ की तरफ से कोई उसका वली नहीं बन सकता। उसके असबा जो होते हैं वो वली बनेंगे, और जो माँ की तरफ से होते हैं यानी मामू नाना वगैरह, ये सब असबा नहीं है। तो लड़की का मामू लड़की का वली नहीं हो सकता। लड़की का वली उसका बाप होगा, उसका भाई होगा, जो भी तरतीब मैंने जिक्र किया है कई बार। लेकिन अगर उसका जो बाप है उसने इजाजत दिया है, इजाजत देने का मतलब जैसे लड़की के मामू को कहे कि आप निकाह पढ़ा दो लड़की का, तो गोया कि उसने वकील बनाया। तो ऐसी सूरत में वो वकील होगा उसका, जो लड़की का मामू है लड़की के बाप का वकील बन करके वो शादी करवाएगा, लेकिन वो उसकी हैसियत वकील की नहीं होगी। वकील कोई और है जिसने इजाजत दिया है, और वली कोई और है जिसने इजाजत दिया है, और ये वकील है। लेकिन अगर उसकी लड़की लड़की के बाप की इजाजत के बगैर, उसकी तौकीद के बगैर उसका मामू उसका निकाह पढ़ा रहा है, तो ये निकाह सही नहीं है, ये निकाह सही नहीं है। अगर बाद में वो उसका बाप राजी हो जा रहा है, लड़की का बाप, तो अब जाहिर है वो निकाह सही नहीं हुआ था। अब नए सिरे से वो निकाह की तजदीद करेंगे, निकाह पढ़ाएंगे दोबारा से, क्योंकि वो निकाह सही ही नहीं हुआ था। जज़ाक अल्लाह अच्छा, खैर। वो रस्म एक रवाज शेख, जो जरूर जो निकाह में किए थे वो करना जरूरी है क्या शेख? वो तो नहीं करना जरूरी होगा ना, सिर्फ कौन निकाह सी पढ़ा रस्म देना काफी रिवाज? होगा? बहुत सारे लोग जो निकाह करते हैं तो उस वक्त के बहुत सारे मामलात करते हैं, लोगों का बुलाना, बारात की इसलिए शक्ल में उनके, जाना, हाँ, वो सारी चीजें करना। देखिए देखिए शेख एक हाशिम, वो उन जो सारी चीजें की जाती हैं उनका निकाह के जी सही होने से कोई ताल्लुक नहीं है। उनमें से अक्सर जी जी चीजों का ताल्लुक उर्फ और आदात से होता है, तो जाहिर है निकाह के सही होने से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। अब वो जो निकाह है वो कैंसिल है, करादम है। अब नए सिरे से निकाह पढ़ाना है, जब उसका वली राजी है तो निकाह पढ़ाएंगे। अब अगर वो चाहे तो वो सारी चीजें करें, चाहे तो ना करें। वो कोई जरूरी तो पहली दफा भी जरूरी नहीं थे, दूसरी दफा भी जरूरी नहीं है।